नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है, जिस पर हंगामा टाइम्स न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह से इन पर बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। अवैध निर्माणों को चलते उनको बुलडोजर से गिराने का काम जारी था, लेकिन वहीं सूत्रों की माने तो अधिकारियों की मिली भगत से अवैध निर्माण भी बनाए जा रहे हैं। ताजा मामला मवैया चौकी के अंतर्गत है, जहाँ अहमद नाम व्यक्ति द्वारा 4 मंजिला इमारत अधिकारियों की मिलीभगत से खड़ी कर ली गई और आला अधिकारियों को शिकायत करने के लिए जब फोन किया जाता है तो उनका सीयूजी नंबर तक नहीं उठता। आपको बता दे, अफसोस है कि अधिकारियों की सीयूजी नंबर उठने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे में किससे संपर्क करें इन निर्माणों की सूचना के लिए, ताकि इन जैसे अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों पर बाबा का बुलडोजर चल सके। आखिर अधिकारियों की इस घोर लापरवाही और प्रशासन शासन कार्यवाही क्यों नहीं करता है? यदि अधिकारी सरकारी सीयूजी नंबर को इसी तरह से अनदेखी करते रहेंगे तो अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद होते जाएंगे और इन अवैध निर्माणों से होने वाली क्षति सिर्फ और सिर्फ जनता को नुकसान होगी, जिसके बाद केवल थाना पूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में डायल कर फाइलों में बंद कर दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ के मवैया में कि किस तरह से 4 मंजिला, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कई बिल्डिंगें लखनऊ में ध्वस्त हो गई और जिसमें कईयों की जान चली गई, क्योंकि इसी तरह से अधिकारियों के संरक्षण में ये अवैध निर्माण फलते फूलते जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। Yeah.